रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद होते हैं, वाक्य के तीन भेद होते हैं। नंबर एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य हो और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, इसमें केवल एक उद्देश्य है और एक विधेय है। उद्देश्य राम है, कर्ता, और बाकी जो शेष भाग है वह विधेय है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसमें और भी जैसे बड़े वाक्य भी सरल वाक्य होते हैं जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। एक बार एक वाक्य आए थे कंपटीशन में, कल सीता ने एक समारोह में एक गीत गाकर सबको मंत्र मुग्ध कर दिया। इसमें सीता सब्जेक्ट है, बाकी शेष भाग विधेय। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में दो उद्देश्य हो और दो विधेय हो, जिस वाक्य में दो उद्देश्य हो और दो विधेय हो और वे दोनों समुच्चय बोधक या यूं कह सकते हैं समानाधिकरण या व्यधिकरण, समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़े गए हो। मैंने समुच्चय बोधक बताए थे, योजक बताए थे, दो बताए थे। एक तो बताया था समानाधिकरण और एक बताया था व्यधिकरण। तो जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़े जाते हैं वे सभी संयुक्त वाक्य होते हैं। फिर सुनो एक बार, जिस वाक्य में दो उद्देश्य हो और दो विधेय हो और वे दोनों योजकों द्वारा या समानाधिकरण समुच्चय बोधक द्वारा जोड़े गए हो वे सभी संयुक्त वाक्य होते हैं। ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक कौन से होते हैं? और, किंतु, परंतु, तथा, या, नहीं तो, ये जो अव्यय शब्द होते हैं ये कौन से अव्यय होते हैं? ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। और समानाधिकरण समुच्चय बोधक ये दो योजक होते हैं, दो भेद होते हैं, ये होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। मैंने आविकारी जब शब्द पढ़ाए थे, जब खोल करके डिटेल में समझाया था तुम्हें, जो दो उद्देश्य और दो विधेय वाले वाक्यों को आपस में और, किंतु, परंतु, तथा, या, नहीं तो से जोड़ा जाए वे सभी संयुक्त वाक्य होते हैं। जैसे जैसे राम स्कूल जाता है, इसमें उद्देश्य और ये विधेय। राम स्कूल जाता है, परंतु, ये योजक है, परंतु मोहन खेलने जाता है। अब इसमें भी दो उद्देश्य दो विधेय हो गए। देखो, एक उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य, दूसरा विधेय, एक विधेय और दूसरा विधेय। इन दोनों वाक्यों को परंतु से जोड़ा गया है, इसलिए ये सभी वाक्य इस प्रकार के जिनमें और, किंतु, परंतु, तथा, या इत्यादि शब्दांश आए वे सभी संयुक्त वाक्य होते हैं। कोई भी वाक्य, दो वाक्यों को जोड़ दो, पर उन दोनों को जोड़ने के लिए और का प्रयोग होना चाहिए, या किंतु का, या परंतु का, या तथा का, या का, या नहीं तो का प्रयोग होना चाहिए। वे सभी संयुक्त वाक्य होते हैं। अब मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और शेष आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं।
मिश्रित वाक्य कहते हैं। ये जो समुच्चय बोधक का जो मैंने दूसरा योजक बताया था, समुच्चय बोधक का एक तो बताया था समानाधिकरण, तो जो समानाधिकरण से जोड़ते हैं वो तो संयुक्त वाक्य होते हैं, और जो व्यधिकरण से जोड़ते हैं, व्यधिकरण में कौन कौन से आते हैं, कि, इसलिए, इसलिए, यद्यपि, ताकि, तथापि इत्यादि शब्दों से जो वाक्य जोड़ा जाता है वे सभी व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, वे सभी मिश्रित वाक्य होते हैं। जैसे मैं कहूं महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, क्या कहा, कि, अब की से जोड़ दिया, कि सत्य और अहिंसा का पालन करो, सत्य और अहिंसा का पालन करो, अहिंसा का पालन करो। अब जैसे ये वाक्य मिश्रित वाक्य है क्योंकि इसमें व्यधिकरण समुच्चय बोधक आया है, की से जोड़ा गया है, और जो वाक्य जिस वाक्य में की, इसलिए, यद्यपि, ताकि, तथापि इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाए वे सभी मिश्रित वाक्य होते हैं। क्योंकि मिश्रित वाक्य, जो मिश्रित वाक्य होते हैं इनमें, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़े ध्यान से सुनना, जो मिश्रित वाक्य होते हैं इसमें तीन प्रकार के आश्रित उपवाक्य होते हैं, तीन प्रकार के उपवाक्य होते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहले संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य, और जो तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य जो आश्रित उपवाक्य, चलो मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं, जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आए वे सारे वाक्य संज्ञा उपवाक्य के होते हैं। जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आए, और इसकी मैं एक पहचान बताता हूं कि ये जितने भी संज्ञा उपवाक्य हैं ये की से प्रारंभ होते हैं, की से, यानी कि इन वाक्यों में की का प्रयोग होता है। ये बात याद रख लो कि जिस वाक्य में की का प्रयोग हो वे सारे संज्ञा उपवाक्य होते हैं। जैसे मैं कहूं मेरे जीवन का उद्देश्य है कि धनार्जन करूं या ज्ञानार्जन करूं या धनार्जन करूं, तो इसमें जो की से प्रारंभ हो रहा है ये संज्ञा उपवाक्य है, ये संज्ञा उपवाक्य है। ये मेरे जीवन का उद्देश्य है ये प्रधान वाक्य है, कि ज्ञानार्जन करूं ये संज्ञा उपवाक्य। जो की से प्रारंभ होता है वे सभी संज्ञा उपवाक्य होते हैं। अच्छा, अब विशेषण उपवाक्य कौन से होते हैं, जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, वे विशेषण उपवाक्य होते हैं। इसमें एक मोटी बात ये याद रखनी है आपको, जो विशेषण उपवाक्य हैं वे जो जिसका जिससे जिसने इत्यादि शब्दों से स्टार्ट होते हैं, जो जिसका जिससे जिसने जो इनसे प्रारंभ होते हैं वे सभी विशेषण उपवाक्य होते हैं। जैसे जैसे मैं कहूं जो जो घड़ी, मैं कहूं जो घड़ी मेज पर रखी है, जो घड़ी मेज पर रखी है वह मुझे
उपहार स्वरूप मिली है या पुरस्कार स्वरूप, पुरस्कार स्वरूप प्राप्त हुई है या मिली है। मोटी बात यह है कि जिस वाक्य में जो मिश्रित वाक्य जो जिसका जिससे जिसने इन शब्दों से बनाए जाते हैं वे सभी विशेषण उपवाक्य होते हैं। नंबर तीन, अब ये जो पार्ट है ना जो गढ़ी मेज पर रखी है ये विशेषण उपवाक्य है, ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। या मोटी बात ये याद रखो जो जिसका जिससे या जिसने इन शब्दों से जो वाक्य स्टार्ट होता है वे सभी विशेषण उपवाक्य होते हैं। नंबर तीन, क्रिया विशेषण उपवाक्य। मैं इधर से मिटा देता हूं। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया की विशेषता बताए वह क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। जो क्रिया की विशेषता बताए, जो आश्रित उपवाक्य क्रिया की विशेषता बताए। अच्छा, इसमें वाक्य यदि, जहां, जैसे, जब, तब, क्योंकि इत्यादि शब्दों से प्रारंभ होता है, इत्यादि शब्दों से प्रारंभ होता है। मोटी बात यह है कि जिस वाक्य में यदि, जहां, जैसे, जब, तब, क्योंकि इत्यादि शब्द आए वे सभी क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। जैसे जब वह आया, जब वह आया तब मैं सो रहा था। अब ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है, जब वह आया तब मैं सो रहा था। तो ये जो उपवाक्य है आश्रित उपवाक्य है यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो मोटी बात यह है कि जो मिश्रित वाक्य होते हैं उनमें एक प्रधान वाक्य होता है और शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। और आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा विशेषण में तो संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर आते हैं, उसमें की का प्रयोग होता है। विशेषण उपवाक्य में जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ये सारे जो जिसका जिसने जिससे इनसे प्रारंभ होते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, और क्रिया विशेषण उपवाक्य जो होते हैं वे शुरू होते हैं यदि, जहां, जैसे, जब, तब, क्योंकि इन शब्दों से शुरू होते हैं, वे सभी क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं।